गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज मी कनिष्का। तो मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं फ्लेक्सी की ग्रूमिंग के लिए सबसे पहले, तो उसके बाद हमें मार्केट वगैरह भी जाना है और शूट तो नहीं आज, कल है शूट। तो अभी पहले हम फ्लेक्सी की ग्रूमिंग कराएंगे क्योंकि उसके बाल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो वो परेशान होता रहता है। अभी सो रहा है वो, खाना वाना खिला दिया मैंने उसको। तो अभी हम पहले ग्रूमिंग कराएंगे, उसके बाद हम मार्केट वगैरह जाएंगे शाम में। तो चलते हैं फटाफट से। और अभी भी वैसे बहुत गर्मी हो रही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था बट वो परेशान हो रहा है ना, सिर्फ इसलिए जाना पड़ रहा है मुझे। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं क्या देखते हैं, कुछ नहीं। ये खेल के अपना आराम से बैठ गया है और इसको पता है इसकी बात हो रही है। अभी देखना, फ्लेक्सी ग्रूमिंग करानी है, फ्लेक्सी ग्रूमिंग करानी है फ्लेक्सी को। देखो कितने बड़े बाल हो गए हैं इसके, देख लो। ग्रूमिंग करानी है, कितने गुस्से में देख रहे हो, गुस्सा हो गई। और इसको करानी हो नहीं करानी हो, जिन हमेशा रेडी रहता है। जिन अभी ग्रूमिंग करानी है, ग्रूमिंग करानी है क्या? ग्रूमिंग जिनकी भी करा दें, ग्रूमिंग बताओ। देख रहा है कौन लेके जाएगा, ग्रूमिंग पे चले क्या? छोड़ो पागल नहीं बनाती वरना मुझे जाने नहीं देगा। मजाक कर रही थी मैं, भड़क जाता है ये, बहुत गुस्सा करता है फिर कि लेकर ही जाओ भाई। ये तो मैं नहीं संभाल पाती भाई इसको, ये मुझे गिरा देगा बाहर। जिन फ्लेक्सी को ले जाऊं अकेले? अब वो अंदर देख रहा है, अंदर से कोई आएगा, मम्मी आएंगी, इशिका दीदी आएंगी तो उसको ग्रूमिंग पे ले जाएंगे। इशिका दीदी तो है ही, इशिका दीदी नहीं है, कौन ले जाएगा जिनको? बहुत शकाना है ये। चलो मैं फ्लेक्सी को लेकर चलती हूँ फटाफट से, वरना ही मुझे जाने नहीं देगा। देखो रेडी या मैं ईशा रेडी रहता, अब फटाफट चलते हैं। आई एम ऑल सेट टू गो। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ मैं कहीं बहुत अलग जगह जा रही हूँ, बट हाँ मैं ग्रूमिंग के लिए जा रही हूँ फ्लेक्सी की। और इसका कोई मूड नहीं है, इसका कभी मूड ही नहीं रहता ग्रूमिंग का। देखो फ्लेक्सी खड़े हो, चलो नहीं करानी इसको बट हमें जाना पड़ेगा। चलो यार चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया तो मुझे शाम को जाना भी है। चलो हम फ्लेक्सी का वेट कर रहे हैं, फ्लेक्सी ग्रूमिंग होने में 2 घंटे लगते हैं। और अभी मैं बाहर का इसलिए भी नहीं जा सकती क्योंकि अभी उसका वो नहा रहा है। और पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं लेकिन आज उसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट है, पहली बार हो रही है वो। मतलब उसका वैसे हमेशा हाइजीन कट होता है बट अभी मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर कट हो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी पहले वो नहाएगा, उसके बाद मैं भैया को समझाऊंगी कि कैसी कटिंग देनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब पूरी भी कटिंग नहीं होनी चाहिए कि वो अजीब भी दिखे, बट हाँ थोड़ा उसका कोट लाइट हो जाए। यहाँ सारे शिट्जू आते हैं ऑलमोस्ट, यहाँ 3 शिट्जू हैं देखो, 1, 2 और 3। और ये जो छोटा वाला है ना इनकी बोधी जो है, ये पता नहीं कौन सा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, फ्लेक्सू ये वाला है, फ्लेक्सू ये वाला है, इधर वाला है फ्लेक्सू, ये वाला। अरे यार मेरी उंगली नहीं आ रही कैमरा, ये वाला फ्लेक्सू है, ये वाला फ्लेक्सू है, ये बहुत ज़्यादा रोड है पता है। एक दिक्कत है, जैसे मैं सोच के आई थी कि फ्लेक्सी की ग्रूमिंग होगी ना तो उतनी देर मैं बाहर शॉपिंग कर लूँगी, मार्केट वार्केट चली जाऊँगी, बट मैं ना फ्लेक्सी को छोड़ के जा ही नहीं पाती। मैं तो फ्लेक्सी को चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, मैं अगर मैं चली भी जाऊंगी ना तो मैं 5 मिनट बाद ही वापस आ जाऊंगी कि मुझे चेक करना है फ्लेक्सी को, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ पाती। अभी भी हम बाहर बैठ के बस उसको देख रहे हैं यहाँ पर। ऊपर से हम लोग शॉपिंग पे भी चले जाएंगे तो फिर हम लोग ना वहाँ ध्यान दे पाएंगे ना यहाँ, और फिर टाइम भी लग जाता है ना, तो फिर वो यहाँ वेट करता रह जाएगा और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
तो अभी फटाफट से हो ही जाएगा उसका, चाहे कितना भी टाइम लगे तो हम साथ लेकर ही फिर उसको जाएंगे। वैसे भी परेशान हो रहा था वो इतने टाइम से, गर्मी की वजह से गर्मी आ गई। हाँ कल तो रात को वो सो ही नहीं पा रहा था, बाल इतने ज्यादा बढ़ गए, की बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है केयर। तो हम अभी बताएंगे इसकी कटिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। और तो और जो कह रहा था कम हाथ, ये तो बहुत ज़्यादा है, कट कट कर लो, कोर्ट कैसे कम कर जितने उसका आधे कर। देख रहे हो कितना ज़्यादा कुछ हो रहा है, इसको ना हमारे पास आना है। लेकिन ये इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना, ऐसे ही मन भी नहीं कर रहा कटिंग कराने का। वही कैसी कटिंग करा रहे हम, कैसी कटिंग करा रहे हम, कैसी कटिंग करा रहे हैं, जल्दी बताओ। ठीक है ना, सही है सही है, पहले इतना ही करके देख लेते हैं, थोड़ा सा करके दिखा दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। हम ना लेजिट भाई इतना खड़ी हो रही है, खड़ी हो खड़ी तो अच्छा, चलो दोबारा हम डांस करेंगे। बोर मत करो, रुको ऑडियंस बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बोर हो जाएगी ऑडियंस। सो गाइस हम आ गए डांस क्लास में, अभी अभी देख रहा हूँ कितना अच्छा डांस करती है। आवाज भी नहीं आ रही है भाई, मेरी आवाज आ रही है ना, नहीं आ रही, आ रही है नो। चलो क्या स्टार्ट कर रहे थे, जाओ पीछे आओ ना ऐसे, चलो पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ये ना ये मर गया है, कह रही और इसको मरना देखता, अब इसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा मैं, ठीक है। ओ भाई कैमरे में देखना, स्माइल स्माइल, लो सेक्सी अपडेट, ये है ये वाला सेक्सी, हाँ यही वाला दिखा रहा हूँ मैं, सेक्सी अपडेट भाई। बहुत देर हो गई यार, वेट कर चुके हैं ना, और इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है, अब थक गए हम, ग्लो देख रहे हो, ग्लो टैनिंग हुई अंदर बैठे बैठे भाई। भाई देख लो हम जब आए थे तो अलग ग्लो था चेहरे पे, और अब देखना। हाँ स्कूटी पे आना पड़ा यार, एक तो दुख की बात है, दुख की बात है, बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिल से, आउच। क्या है यार, आ गए क्यूट लग रहा है, चले क्यूट टू चलो 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 चलो, अब हम लेंगे थोड़ी इसकी लीज और दो तीन चीज़ें, क्या ले रहे हैं हम, ये सोच रही हूँ भाई लोगों, हम लोग आ चुके हैं कनिष्का को, तो हम आ चुके हैं कनिष्का के घर पे, और हमारी हालत देख लो, क्या हालत है, फ्लेक्सी नीचे है, अभी दिखाऊंगा आपको और दिखा दो। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कुछ बना लें, और हम क्या बना रहे हैं, और मम्मी के फोन टेढ़ा है, ठीक है, और मम्मी कह रही है कि ये बाहर का डॉग लग रहा है, फ्लेक्सी हमारा नहीं लग रहा, बड़ा नया नया लग रहा है ऐसे अभी। पर हम लोग अभी ना कुछ, बेटा आपकी तो आवाज़ ही नहीं आती है, और ये पता कैसे बोलता है मैं बताती हूँ, और हम ना अभी एक अलग चीज़ ट्राई करने वाले हैं, तो अगर आपसे हो पाए तो आप हमारा साथ दे देना, क्योंकि हम हमारी इतनी आवाज़ है। ओहो पहले आए हैं मॉल, और उसके बाद हम किसी मार्केट वगैरह में जाएंगे, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो। स्कूटी चलाना इज रियली टफ, नो इट्स नॉट टफ,
नहीं मुझे तो नहीं लगता ऐसा, मुझे तो पसंद है स्कूटी चलाने में, भाई बहुत दिक्कत है। हाँ मतलब अच्छे मौसम में चलाना पसंद है। बाल देखना कैसे हो गए हाँ। अच्छे मौसम में स्कूटी चलाना मुझे पसंद है। यहीं पे अगर थोड़ा ऐसा मौसम हो, ठंडा ठंडा बारिश वाला, अभी थोड़े टाइम पहले जो था बढ़िया मस्त मजा आता है स्कूटी पे घूमने में। बट ठीक है यार, कभी कभी स्कूटी पे भी घूमना चाहिए, हमेशा गाड़ी में मैं प्रेफर नहीं करती। वो तो है ही, देखो जो मजे स्कूटी पे ले सकते हो बाइक पे ले सकते हो, वो गाड़ी में नहीं ले सकते। जो गाड़ी में हो सकता है वो बाइक पे नहीं, अब वो अपने हिसाब से देखना पड़ता है। थैंक यू। एक तो ये जो लंबे लंबे लोग होते हैं ना, इनके लिए ऐसे कैमरा पकड़ो। तो मैं पकड़ लेता हूँ मैडम आपके लिए। नहीं आप लंबे हो उसमें, फिर मैं छोटी होंगी। तो आप तो क्यूट सी लगती हो ना। देखो मैं मैंने बाल बांध दिए अपने। मैं पीछे चलूंगी। हाँ ऑब्वियसली लंबे लोगों को पीछे ही चलना चाहिए। चलो अब अंदर चल के देखते हैं क्या है। चलो जा रहा राइट नाउ और हम देख रहे हैं कपड़े। आ रहे कुछ समझ? वो अच्छा था, वो वाले शूज अच्छे थे बट वर्थ नहीं। क्या वो शूज? वो वाले जॉगर्स अच्छे थे, वर्थ कार को बस वर्थ नहीं है। चलते हैं कलेक्शन देखना है। तो गाइस अब मैं घर आ गई हूँ और मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, लव यू ऑल।